तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फिलिप्स 2100 वाट इंडक्शन कुकटॉप की। तो बॉक्स में आपको इंडक्शन की फोटो मिलती है और बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि 6 प्रीसेट पॉइंट मेन्यू, 8 पावर लेवल, 2100 वाट हाई पावर, कूल टेक ग्लास पैनल। यही सेम इंफॉर्मेशन आपको बॉक्स के राइट साइड में भी मिल जाएगी, जैसे कि 2100 हाई वाट पावर, 0-3 हावर टाइम सेटिंग। सो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसमें कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो मॉडल है ये है HD4928, और इसमें कुकटॉप कैसे यूज़ करना है और इसकी क्या क्या सेफ्टी रखनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस यूज़र मैनुअल में दी गई है। सो इसे आप केयरफुली रीड कर लेना। इसी के साथ में आपको एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बुक भी मिल जाती है, तो आप इसे भी रीड कर सकते हो। तो ये है इंडक्शन कुकटॉप। ये सिरेमिक प्लेट है और इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास है। लेफ्ट कॉर्नर में आपको वार्निंग देखने को मिल जाती है, जिसमें कि लिखा है ये सिरेमिक प्लेट गर्म होगी आफ्टर कुकिंग, सो इसे टच नहीं करना है। ये जो राउंड है ये एरिया आफ्टर कुकिंग बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, इसीलिए आपको यहाँ तक तो इसे बिल्कुल टच नहीं करना है। डाउन में इसका कंट्रोल पैनल है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें 8 LED पैनल हैं, जो कि आपको बताते हैं कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर ये वर्क कर रहा है। और इसमें ऑलरेडी प्रीसेट बटन भी है, जैसे कि टिल फ्राई, स्लो कुक, प्रेशर कुक, रोटी डोसा एंड ग्रेवी। और ये है ऑन ऑफ बटन। ये दोनों बटन से आप इसके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसके टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद 0-3 हावर टाइम सेटिंग्स बटन और टाइमर फंक्शन बटन मिलेगा। एंड बैक साइड में आपको 400 वाट का एक कूलिंग फैन देखने को मिलेगा, और इसमें बहुत सारे होल मिलेंगे, जिससे कि ये एयर के थ्रू कूल होगा। और लास्ट में ये एक केबल है, जिसमें कि 3-पिन सॉकेट लगा हुआ है, जिसे कि आप नॉर्मल प्लग में इंसर्ट करके इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये है एक छोटा सा रिव्यू फिलिप्स 2100 वाट इंडक्शन कुकटॉप का। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।